क्या नाम है आपका? शगुफ्ता। कहाँ से आप? दिल्ली से। कौन सा पेपर दिया आपने? ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन था। कैसा रहा? ठीक ठाक गया, चाहे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं गया पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से कवर किए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स? मतलब इसमें करंट अफेयर्स भी थे और जैसे इसमें ह्यूमन राइट्स का जैसा पेपर था तो उससे रिलेटेड काफ़ी था, यूएन नेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बाकी वर्ल्डली भी था, जैसे फलस्तीन वॉर्स के भी थे, उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ही थे और इंडिया से तो थे ही, मतलब इंडियन की जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं यहाँ पे वो सब था। बाकी सब्जेक्ट्स या पोर्शन वगैरह किस किस तरह के थे? मतलब अब इसमें इसको क्या बताऊँ मैं, फलस्तीन से लेकर के क्या सवाल थे उसमें? मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मतलब इसराइल ने कौन सा अभी अटैक किया था इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन था, और अभी जैसे यूएई में वो मंदिर बनाया था तो किस प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था, सॉरी किस कंट्री में बनाया था, मोदी ने जी ने, वो था क्वेश्चन। और अभी हाईएस्ट सिविलियन जो फ्रांस का जो अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड, वो किसको मिला इंडियन थे तो वो शशि थरूर थे, तो वो क्वेश्चन आए थे इस टाइप के थे। अच्छा, पीवाईक्यू देखा था आपने? नहीं, वैसे नहीं देखा था। तो ओवरऑल पेपर कैसा लगा? हाई था? सही, बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत जिस हिसाब से टेंशन हो रही थी उस हिसाब से नहीं था, ठीक था, इजी पेपर था, नहीं भी पढ़ के जाते तो फिर भी बहुत कुछ इजी था, मतलब कर सकते थे। करंट से था? हाँ, करंट अफेयर्स से था। जो लोग आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, मतलब जो जो चेंजेस आते हैं जो और उनके जो टॉपिक्स होते हैं जो न्यूज़ में आ रहे होते हैं उनको तो करना ही है, मतलब आर्टिकल्स पढ़ना होता है और हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे, और यूएन से तो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि यूएन कब बनी है उसके, और ये सब और जितने भी ये है वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब है, उस सारे सबसे रिलेटेड सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन पढ़ना पड़ेगा सब। चलिए ठीक है, मैं दुआ करूँगा आपका।